सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो लेने के बाद एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क पे क्लिक करके आपको इसे डिलीट कर देना है। यहाँ पर गाइस आपको फिर ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा देना है और अपने फ़ोटो को आप जूम वगैरह कर सकते हो स्क्रीन पे टच करके फुल साइज़ में कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर गाइस आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को बड़ा करना है इस तरीके से खींच के। कितना बड़ा करोगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को करना है 12.70 के आसपास, जैसे मैंने 12.71 कर लिया। स्क्रीन पर टच करके ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले गाइस आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप पहले फ़ोटो की वीडियो बनाकर सेव नहीं करते हो सकता है गाइस आपकी वीडियो में स्प्लिट ना हो। फिर आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर आपको बड़े वाले प्लस पर क्लिक करके वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करके जो वीडियो गाइस आपने सेव करी आपको उसी को लेना है। फर्स्ट में आपकी फ़ोटो रहेगी उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और गाइस यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में जो वेबसाइट रही है आपको इसमें जाने के बाद ये वाली वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड कर लेना। अगर बाई चांस आपको ये वाली वीडियो का पोस्ट उस वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि आप आसानी से मटेरियल डाउनलोड कैसे कर सकते हो। आप वो वीडियो देख लेना। फिर यहाँ पर आपको नीचे बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस आपको अपने म्यूज़िक पर ये 17 बीट्स लगा लेनी है। 17 बीट्स लगा लोगे आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। बीट गाइस आपको किस टाइम पर लगानी है ये भी गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। बीट लगाने के बाद आपको राइट कर देना है। अभी गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट पे टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है। सेकंड पे टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी गाइस आपने जितनी बीट लगाई है आपको सब बीट पे टच करके अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। सो गाइस जैसे यहाँ पर मैं सभी बीट पर स्प्लिट कर चुका हूँ, अभी आपको शुरू में आ जाना है। यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट वाला फ़ोटो छोड़ देना है, सेकंड छोड़ देना है, थर्ड छोड़ देना है। आपको फोर नंबर के फ़ोटो पर आना है। टू फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद फोर नंबर के फ़ोटो में आपको शुरू में आना है। नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, आपको स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है इस तरीके से। अगर ज़्यादा स्प्लिट हो जाता है तो यहाँ से आप बैक भी कर सकते हो, बैक का बटन है, ठीक है, गलत हो जाता है। और इस तरीके से आपको बारीक बारीक स्प्लिट लगा लेने अपने फोर नंबर के फ़ोटो में। उसके बाद आपको इफेक्ट वगैरह लगाने हैं। इफेक्ट वगैरह गाइस आप कौन से लगाओगे, एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं, इससे गाइस आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। सो गाइस जैसे ये वाली वीडियो मैंने बना ली है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट्स वाले इफेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपने जो बारीक वाले स्प्लिट लगाए ना फोर नंबर के फ़ोटो में, आपको इससे नेक्स्ट वाले फ़ोटो पर आना है फाइव नंबर के। फाइव नंबर के फ़ोटो पर आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। तो फाइव नंबर में आपको एक इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है जिटर डाउन। जब आप ये फाइव नंबर के फ़ोटो में लगाओगे तो एंड के जितने भी फ़ोटोज़ रहेंगे ना ये फाइव नंबर के बाद के, सब में आपको जिटर डाउन लगाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस जूम आउट वगैरह की। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले, सेकंड और थर्ड, शुरू के तीन फ़ोटो में आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम का, तो जूम में जाना है। फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपको जूम आउट लगाना है, सेकेंड में आपको जूम इन लगाना है
और थर्ड वाले फ़ोटो में आपको जूम आउट लगाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्लस वाले इफेक्ट की, ठीक है, और बारीक वाले फ़ोटोज़ की, या बारीक वाले फ़ोटोज़ की बात करते हैं पहले, प्लस वाले मैं बाद में बताऊँगा। तो पहले देखिए, ये नॉर्मल है। सेकंड वाला फ़ोटो आपको मिरर कर देना है, मिरर का ऑप्शन भी आपको नीचे मिल जाएगा आपके VN में। थर्ड नंबर के फ़ोटो को नॉर्मल रखना है। अब यहाँ पर आ गया फोर नंबर का पूरा फ़ोटो बारीक वाला, तो इसमें आपको क्या करना है बहुत ध्यान से समझना गाइस। देखिए, एक फ़ोटो नॉर्मल, एक मिरर, एक नॉर्मल, एक मिरर, एक नॉर्मल, एक मिरर, एक नॉर्मल, एक मिरर, एक नॉर्मल, एक फिलिप मिरर, ठीक है। अब क्या करना है देखिए गाइस, शुरू के 7-8 फोटोज में तो आपको यही करना है, एक फ़ोटो नॉर्मल, एक फ़ोटो मिरर। फिर आगे चल के क्या करना है आपको, एक फ़ोटो को मिरर फिलिप दोनों करना है और एक फ़ोटो को नॉर्मल, फिर एक फ़ोटो को मिरर फिलिप दोनों। अब जैसे मैं मिरर फिलिप नॉर्मल है तो पहले फ़िलिप कर दो या मिरर कर दो, फिर नॉर्मल, फिर आपको यही करना है मिरर फिलिप एक फ़ोटो को, फिर नॉर्मल, फिर एंड के 2-4-5 फ़ोटो में आपको यही करना है, एक फ़ोटो नॉर्मल, एक फ़ोटो मिरर, ठीक है। बाकी ये वाले जो 5 नंबर के फ़ोटो आएंगे इसमें थोड़ा नॉर्मल रखना है, इसमें थोड़ा सा जूम कर देना है, फिर नॉर्मल, फिर जूम, फिर नॉर्मल, फिर जूम, जूम करके आप स्क्रीन पर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको प्लस वाले इफेक्ट बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे फर्स्ट में प्लस आ रहा है आपका, सेकंड में प्लस आ रहा है, इन दोनों प्लस को छोड़ देना है। थर्ड नंबर के जो प्लस आएगा इस पर क्लिक करके आपको शेक 1 वाला लगाना है थर्ड नंबर के प्लस पे। आगे चलोगे बारीक वाले फ़ोटोज़ के बाद में जो प्लस आएगा 4 नंबर का, इसमें भी आपको शेक 1 लगाना है। 5 नंबर के प्लस में आपको जूम 2 लगाना है, इसमें वो जूम 1 वाला लगाना है आपको। जूम 1 पर आपको 2 बार टैप करना है 5 नंबर के प्लस में। 6 नंबर के प्लस में आपको शेक 1 पे 2 बार टैप करना है। 7 नंबर के प्लस पे जूम 1 पे 2 बार टैप करना है। 8 नंबर के प्लस में आपको जूम 2 का लगाना है। 9 नंबर के प्लस में आपको शेक 1 का लगाना है। 10 नंबर के प्लस में आपको शेक 1 पे 2 बार टैप करना है। 11 नंबर के प्लस में शेक 2 का लगाना है। 12 नंबर के प्लस में जूम 2 लगाना है। 13 नंबर के प्लस में शेक 1 लगाना है। 14 नंबर के प्लस में शेक 1 का दूसरा लगाना है। 15 नंबर के प्लस में शेक 1 लगाना है। 16 नंबर के प्लस में जूम 1 पर आपको 2 बार टैप करना है। अभी यहाँ पर आपको बीट बता देता हूँ कि आपको बीट किस टाइम पर लगानी है। म्यूज़िक पर क्लिक करना है, बीट्स पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बीट टाइम बता देता हूँ। फर्स्ट वाली बीट आपको लगानी है 0.49 पर, सेकेंड बीट 0.95 पर, थर्ड बीट 2.20 पर, फोर बीट 3.45 पर, फाइव बीट 4.07 पर, सिक्स बीट 4.74 पर, सेवन बीट 5.37 पर, एट बीट 6.10 पर, नाइन बीट 6.77 पर, टेन बीट 7.38 पर, इलेवन बीट 8.05 पर, ट्वेल्व बीट 8.70 पर, थर्टीन बीट 9.41 पर, फोर्टीन बीट 10.05 पर, फिफ्टीन बीट 10.71 पर, 16 बीट 11.37 पर, 17 बीट 12.12 पर। ये आपको 17 बीट्स लगा लेनी है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।